नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी यादव, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में। यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे बीएससी कोर्स में जूलॉजी सब्जेक्ट्स की एक पर्टिकुलर पेपर के बारे में, जिसमें हम लोग जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी के बारे में डिटेल्स में इंट्रोडक्टरी बात करेंगे, उसके बारे में कि ये सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या इस पेपर में लर्नर्स को बताया जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो बीएससी का है, इसमें जो पेपर का कोड है UGZY 103, इसमें जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी के बारे में बताया जाएगी। हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, या कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, इवन एक पर्टिकुलर प्रोटोकैरियोट से लेके मैमल्स तक या यूकैरियोटिक सिस्टम में कोई भी, तो सेल के अंदर जो वेरिएशन है वो उनके अंदर किस तरह से ये वेरिएशंस आते हैं और सेल किस तरह से बिहेव करती है, उसके अंदर क्या ऑर्गेनल्स हैं, कैसे वो फंक्शन करती है, ये सारे डिटेल्स हम लोग इस पर्टिकुलर पेपर्स में स्टडी करेंगे। जो ये पेपर है, जो प्रोग्राम राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में इस पेपर के लिए दिया गया है, ये 8 यूनिट्स में डिवाइडेड है और 2 ही क्रेडिट्स इसको मिलेंगे। तो जो टोटल क्रेडिट्स एनएपी के थ्रू आपको देखने को मिलेगा वो 2 क्रेडिट का मिलेगा और टोटल 8 यूनिट्स में ये डिवाइडेड है। इसमें जो पैटर्न्स है परीक्षा का वो 2 भाग में डिवाइडेड है, एक इंटरनल असाइनमेंट्स है और दूसरा जो इन सेमेस्टर में थ्योरी पेपर्स होंगे। वो जो इंटरनल असाइनमेंट्स है वो 30 मार्क्स का है और जो थ्योरी पेपर्स होंगे इन सेमेस्टर पे वो करीब 70 मार्क्स का है। तो इस तरह से टोटल इस पेपर का जो टोटल मार्क्स है वो 100 मार्क्स का हो जाएगा। अगर हम इस पेपर के बारे में बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्यों जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो लर्नर्स जो है इसको उनकी सुविधा के लिए हमने इसको 2 ब्लॉक में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जेनेटिक्स है और दूसरा सेल बायोलॉजी। तो जो पहला ब्लॉक है उसमें स्टडी करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में, डीएनए के बारे में, लिंकेज के बारे में, सेक्स लिंकेज के बारे में, इवन डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो ड्रोसोफिला हो या ह्यूमन हो, बहुत अच्छी मॉडल्स है, उनके बारे में हम देखेंगे कि उनमें मेल और फीमेल कैसे वैरी करते हैं क्रोमोसोम लेवल पे, जीन लेवल पे, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे। डिफरेंट एनिमल्स में किस तरह से क्रोमोसोम्स के पैटर्न में, म्यूटेशंस में, वेरिएशंस वगैरह जो आती है, जेनेटिक वेरिएशंस, वहाँ पे क्या उनका अफेक्ट होता है, तो यहाँ पे कुछ थ्योरीज जो हेरिडिटी या आनुवंशिकी के हैं वो भी बताए जाएंगे, जैसे बार बॉडी क्या होती है, सेक्स क्रोमेटिन क्या होती है, उसके बारे में डिटेल्स में आपको समझाया जाएगा। ठीक उसी तरह जो ऑब्जेक्टिव दूसरा है कि क्लासिकल जेनेटिक्स मेंडल के समय से लेके आज के समय में जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, जहाँ पे हम जीन, डीएनए या मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं, उनके बारे में कुछ स्टडीज या लर्नर्स को उसके बारे में इस कोर्स में बताया जाएगा। जो पर्पज है इस कोर्स का वो ये है कि जो हमारे लर्नर्स हैं उनके अंदर एक तरह का स्पार्क ले आ जाए कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से चेंजेस आते हैं, जीन क्या है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफर होता है, तो ये सारे वेरिएशंस लाने का पर्पज इसलिए है कि वो हायर स्टडीज़ के लिए या रिसर्च के लिए बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा आए। इसमें जो दूसरा पार्ट है ब्लॉक में, उसमें जो लर्नर्स है वो जानेगा इस बात को कि सेल जो कोशिका है वो क्या होती है। अगर हम जीवन की उत्पत्ति के समय से देखें तो उस समय से सिंगल सेल लाइफ थी और आज हम लोग बिलियन सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं, तो एक सिंगल सेल और बिलियन सेल ऑर्गेनिजम्स किस तरह से फंक्शंस करते हैं। एक सेल आज के डेट में अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट्स में जो ईकोलाई है, जो बैक्टीरिया है, वो सिंगल सेल्ड है, वो भी वही सारे फंक्शंस करती है जो हमारे बॉडी में होती है। तो कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, कैसे वो इन सारी चीज़ों को
कंप्लीट करते हैं, वो हम लोग दूसरे ब्लॉक में डिफरेंट सेल ऑर्गेनाइज्ड उनके अंदर कैसे वो काम करते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है जो लर्नर्स को बताएगा कि अगर सेल अपने फिजियोलॉजी नॉर्मल फिजियोलॉजी के अलावा अगर कोई चीज़ करती है तो कैसे तरह तरह की बीमारियाँ उनके अंदर उत्पन्न होती हैं, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद हम फर्दर लर्नर्स को मोटिवेट करेंगे हायर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि NAP जो 2020 है उसका एक, या यू कह लीजिए कि NAP 20 में इस तरह से सब्जेक्ट को डिज़ाइन किया गया है कि लर्नर्स हायर स्टडीज़ के लिए मोटिवेट हो, जो बेसिक्स है उसको ग्रेजुएशन में या स्नातक स्तर पर बताया जाए और उसको इस तरह से मोटिवेट किया, सिलेबस को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि वो हायर लर्निंग के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए प्रेरित भी हो। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव्स रहा है। जैसे हमने बताया था कि हमने इस कोर्स को दो यूनिट्स में, दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया। जो पहला ब्लॉक है वो जेनेटिक्स का है। जेनेटिक्स में हम लोग इसको तीन यूनिट्स में डिवाइड किए हुए हैं। यूनिट फर्स्ट में जेनेटिक वेरिएशंस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस, ह्यूमन क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के द्वारा डिफरेंट जो एबनॉर्मेलिटीज़ है उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर्स आप फर्स्ट यूनिट जिसमें हम जेनेटिक वेरिएशंस, ह्यूमन क्रोमोसोम्स के जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो, सेक्स लिंकेज और सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल और फीमेल कैसे बनते हैं, ये हम लोग ड्रोसोफिला में देखेंगे, जो कि एक डिप्टेरन इंसेक्ट्स फ्लाई है, जिस ऑर्डर का मॉस्किटोज या हाउस फ्लाई होते हैं उसी ऑर्डर का है, लेकिन एक बेस्ट टूल है ड्रोसोफिला, उसमें और ह्यूमन में हम वेरिएशन देखें, क्योंकि जेनेटिकली ये करीब 75% सिमिलर है जीन के लेवल पे। फिर हम लोग सेक्स क्रोमेटिन बॉडीज के बारे में स्टडी करेंगे और डोजेस कंपनसेशन या लायन की जो हाइपोथेसिस है उसमें देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल्स बताना चाहूँगा ह्यूमन क्रोमोसोम्स या कैसे एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह क्रिएट होती हैं और क्रोमेटिन बॉडीज़ वगैरह ये क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है स्टडी करने के लिए। तो ये एक टिपिकल क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स है, मेटासेंट्रिक अगर हम इसको देखें, इनमें दो आर्म्स पी आर्म और क्यू आर्म्स होते हैं और ये सेंट्रोमियर है। इस आर्म्स के ऊपर क्यू आर्म्स में और पी आर्म्स में अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो बहुत सारे पार्ट्स में हम एक क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर सकते हैं। तीन तरह के क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, या तो इस तरह से मिलेगा या एक्रोसेंट्रिक मिलेगा जिसमें सेंट्रोमियर यहां पे होगा और नीचे बॉडी होगी, या ये पार्ट छोटा होगा और ये पार्ट बड़ा होगा, जिसको कि सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। तो तीन तरह के क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम्स में वेरिएशंस या इनके बीच में किसी तरह का ट्रांसलोकेशन है, किसी तरह का डिलीशन है या कोई भी एबनॉर्मेलिटीज है, वो सारा पार्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज में हम लोग स्टडी करेंगे। वही चीज़ जब हम लिंकेज पे आते हैं तो दो क्रोमोसोम्स के कुछ पार्ट अगर वो लिंक कर रहा है, जीन साथ साथ मूव कर रहा है, तो उसको हम लिंकेज फिनोमेनन कहते हैं, और वही चीज़ अगर एक्स क्रोमोसोम के द्वारा होती है तो हम उसको सेक्स लिंकेज बोलते हैं। जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसका भी जो पैटर्न्स है ह्यूमन में अगर हम बात करें तो दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं और एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है। जिसमें दो एक्स क्रोमोसोम है उसको हम फीमेल बोलते हैं और जिसमें एक्स और वाई है उसको हम लोग मेल बोलते हैं। देखा गया है, नेचर ने बहुत ब्यूटीफुली ये डिजाइन किया हुआ कि अगर एक्स क्रोमोसोम दो हो गए तो मेल में
जो फीमेल के कंपैरिजन में क्षमता है एक्स क्रोमोसोम के वो आधी हो गई, क्योंकि यहाँ यहाँ पे केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो और वाई क्रोमोसोम केवल मेलनेस की वो मेल बनेगा या नहीं बनेगा, सिर्फ वही जीन है जो इसको डिटरमाइन करते हैं। तो बाकी सारे जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम पे हैं फीमेल में दोगुना होने की वजह से उनकी एक्टिविटीज़ दोगुनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसको रोकने के लिए जैसे ही जायगोट का फॉर्मेशन होता है या जीवन की उत्पत्ति का जहाँ से है मेल फीमेल का दोनों स्पर्म और ओवा जहाँ मिलेंगे, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक उसी समय एक एक्स क्रोमोसोम पूरी तरह से इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, डॉर्मेंट हो जाएगा, डॉर्मेंसी में चला जाएगा। वो जो इनएक्टिवेशन प्रोसेस है वो हम लोग उसको बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। ये एक्स क्रोमोसोम्स के ही सेंट्रोमियर पे करीब 12 जीन्स होते हैं, 12 जीन्स होते हैं, उन 12 जीन में दो जीन जो इस प्रोसेस को शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड जिस्ट। तो जो जिस्ट है वो एक्स क्रोमोसोम के इनएक्टिवेशन पे होता है, उसका डिटेल्स जब डीएनए के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एक तरह का प्रोसेस होता है वी कॉल मैथिलेशन। ये मैथिलेशन हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए पे डायरेक्टली होके उस पूरे एक्स क्रोमोसोम को मास्क कर देता है। तो जैसे ही एक एक्स क्रोमोसोम मास्क हो जाएगा उसका कोई भी जीन काम नहीं करेगा। तो अब क्या हुआ, एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे और एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे दोनों बराबर हो गए। तो नेचर ने क्या किया, बैलेंस कर दिया कि जितने जीन फीमेल में होंगे एक्स क्रोमोसोम पे उतने ही मेल में होंगे। तो ये प्रोसेस हमेशा जायगोट फॉर्मेशन होते ही शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये हम लोग स्टडी करेंगे। सेल के केस में देखने को मिलता है, अगर हम फीमेल्स को देखें तो जो एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हुआ वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम आप लोगों को प्रैक्टिकल्स और जो एसएलएम मटेरियल्स देंगे, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, उसमें हम आपको ये चीज़ों को दिखाएंगे, बता देंगे कि किस तरह से आप एक इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो सेल के अंदर। ये एक्स क्रोमोसोम अगर जैसे हम लोग बाहर सोसाइटी में देखते हैं ट्रांसजेंडर को, ठीक है, किन्नर को, तो किन्नर में कभी कभी क्या होता है कि एक एक्स से ज़्यादा हो गया, तो दो एक्स फीमेल में होनी चाहिए, एक एक्स यहाँ पे ज़्यादा हो गया। अगर एक एक्स ज़्यादा होगा तो जो बार बॉडी जो इनएक्टिव एक्स था वो यहाँ पे दो देखने को मिलेगी। अगर हमने एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे और हो गया, कुछ किन्नरों में देखने को मिलता है ज़्यादा एक्स, तो यहाँ पे तीन बार बॉडी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसको बटन बार ने सबसे पहले डिस्कवर किया हुआ था, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम मेरी बार के नाम पे बार बॉडी नाम दिया था। और चूंकि ये एक्स क्रोमोसोम रिलेटेड है इसलिए हम लोग इसको एक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमेटिन बॉडीज भी बोलते हैं। तो इस पार्ट को जितना है, अगर हम जीन के लेवल पे स्टडी नहीं कर रहे, हमें जानना है कि कोई किन्नर है कि नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जेनेटिक या कोई और आइडेंटिफिकेशन के बजाय सिंपल टेस्ट, हम क्रोमेटिन आइडेंटिफिकेशन जो कि बहुत कम समय में कम लागत में भी किया जा सकता है, केवल सेल में एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करके जान सकते हैं इस मेथड से। ठीक उसी तरह उसी का है डोजेज कंपनसेशन और लाइन। मेरी लाइन ने एक हाइपोथेसिस दी थी कि जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो कैसे इनएक्टिवेट होता है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। जो दूसरा यूनिट है हेरिडिटी का, इसमें हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। शुरुआत से ही बताया जाता है कि ह्यूमन में चार तरह के ब्लड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, ए, ए बी, बी और ओ।
ये चारों ग्रुप इनके एंटीजन के आधार पे हम इनको आरएस फैक्टर के आधार पे ए बी ए प्लस या बी प्लस या ए बी प्लस या ओ प्लस या नेगेटिव प्रेजेंट है एंटीबॉडी या नहीं है उसके आधार पे हम इसको डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं। और यही ब्लड ग्रुप में जो मेन ऑक्सीजन कैरियर और बफरिंग कैपेसिटी के साथ जो प्रोटीन है उसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ये बफरिंग का भी काम करता है और ऑक्सीजन को कैरी करने का भी काम करता है। उसके बारे में देखेंगे और इसकी जेनेटिक्स भी हम लोग स्टडी करेंगे कि क्यों ग्लोबिन ही, हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है वो तो आयरन को बाइंड करता है, जो ग्लोबिन पार्ट है वो क्यों इवॉल्व हुआ ऑक्सीजन कैरिंग के लिए और बफरिंग के लिए। उसी तरह बहुत सारे जो डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं ह्यूमन में इनबॉर्न, इनबॉर्न मीन्स की बर्थ के साथ ही मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, उसके बारे में हम देखेंगे जो इसी से रिलेटेड है, म्यूटेशन से रिलेटेड है कि कैसे होती है। फिर इस वाले पार्ट पे हम लोग जो डीएनए और आरएनए उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। डीएनए और आरएनए जैसा आप लोग जानते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक ने 1952 में ये मॉडल्स दिया, वेल एक्सेप्टेड रहा, लेकिन डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसको प्रूफ करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। हर्शी एंड चेस दो एक ऐसे साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। इन्होंने क्या किया कि डीएनए के अंदर फास्फेट होता है और फास्फेट का जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है 32 उसको यूज़ किया, और जो प्रोटीन पार्ट है उसमें सल्फर होता है, पर्टिकुलरली जो दो अमीनो एसिड्स हैं सिस्टीन और मेथियोनिन, उन दोनों में सल्फर्स होते हैं। तो सल्फर का रेडियोएक्टिव मटेरियल लिया 32। अब इन्होंने क्या किया कि एक बैक्टीरियोफाज लिया, बैक्टीरियोफाज वो होता है जो बैक्टीरिया को ईट करता है, इससे वायरस, तो जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। तो इन्होंने बैक्टीरिया यूज किया एसिरिसिया कोलाई, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ई कोलाई। ई कोलाई को अगर हम बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करें तो ये क्या करेगा, अपना डीएनए जो है यहाँ पे इंसर्ट करेगा। वायरस का जैसे आएगा, जब वो ग्रो करेगा तो इसके वायरस का जो स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है उसमें कैप्सिड है, कैप्सिड क्या है, प्रोटीन का बना है, तो प्रोटीन बना है तो ये वहाँ पे इनकॉर्पोरेट होगा, और अगर वो डीएनए अपना इनकॉर्पोरेट कर रहा है, दे रहा है, तो फास्फेट ग्रुप जो डीएनए पे लगा हुआ है वहाँ पे चला जाएगा। तो अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रोटीन जा रहा है कि डीएनए जा रहा है, हम रेडियोएक्टिविटी की वजह से बैक्टीरियोफाज का इकोलाई में मल्टीप्लिकेशन दिखा के कर सकते हैं। इस ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट्स को करने की वजह से हर्शे एंड चेस को बाद में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक उसी तरह जब डीएनए एस्टेब्लिश हो गया, वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल उन्होंने दिखा भी था कि डीएनए रेप्लिकेट करता है तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से करता है, लेकिन उस मॉडल को वो प्रूफ नहीं कर पाए थे। कई सालों के बाद मेसेलसन और स्टेहर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सपेरिमेंट्स किया। यहाँ पे इन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल ना लेके रेडियो एक्टिव की जगह उन्होंने नाइट्रोजन लिया, क्योंकि जो डीएनए है वो नाइट्रोजनस बेस है, तो नाइट्रोजन के उन्होंने आइसोटेप लिए N15। आइसोटोप की वजह से क्या है, ये एक न्यूट्रॉन हैवियर है N14 से। अब एक न्यूट्रॉन को हम कैसे किस तरह से मिसर आउट करेंगे, तो उस समय टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप करती है वो हमारे लिए एक टूल्स का भी काम करती है। उस समय सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन डेवलप हुआ। तो जो सीजियम क्लोराइड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है डेंसिटी ग्रेडियंट, उसमें एक न्यूट्रॉन की भी डेंसिटी को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ई कोलाई पे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl से उसको मीडियम में ग्रो किया। जब अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में ग्रो किया तो जितना N15 था वो सारा का सारा बैक्टीरिया ई कोलाई के अंदर में आ गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया,
कि N15 वाले अमोनियम क्लोराइड की जगह N14 ले लिया, पहले 15 लिया था फिर 14 ले लिया, तो जो पहला DNA इनकॉर्पोरेट होगा 14 का, तो वो 14 और 15 का हाइब्रिड बनाएगा, और उसको अगर हम सेंट्रीफ्यूज कर दें और फिर जेल पे रन करें तो हमें दो बैंड्स या डेंसिटी ग्रेडियंट में हमें दो बैंड्स देखने को मिलेंगे, तो उस बैंड पे तभी मिलेगा जब ये सेमी कंजर्वेटिव होगा। यूनिट 3 में हम लोग DNA पॉलीमरेज और जो इनविट्रो सिंथेसिस है उसके बारे में बात करेंगे। सेंट्रल डोगमा जो है कि डीएनए स्वयं बना सकता है, और फिर डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ आपके सिलेबस में ट्रांसक्रिप्शंस है, हम लोग उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, और जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, वो जेनेटिक कोडॉन्स के बारे में कि किस तरह से डीएनए को हम प्रोटीन में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो कौन सा कोड है जो डीएनए को अमीनो एसिड्स में ट्रांसफॉर्म कर रहा है या बना रहा है। तो जेनेटिक कोडॉन्स के लिए जेनेटिक कोड वाला पूरा पार्ट यहाँ पे आप जानेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है पहले ब्लॉक का, जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स, चूँकि ये एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को यहाँ पे इतनी डिटेल्स दे दी जाए कि पूरा आपको बेसिक जीन क्लोनिंग के बारे में मालूम हो जाए। जो डीएनए है उसको हम लोग क्लोन कर सकते हैं, क्लोन करके एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म्स, या एक सेल से दूसरे सेल, या एक जगह से दूसरी जगह हम उसको टैग भी कर सकते हैं, या यूँ कहिए कि उसको मिक्स करके हम कोई नया प्रोडक्ट्स या नया चीज़ बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे टेक्नोलॉजी, बहुत सारे एंजाइम्स यूज हुए हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम आपको बता दें कि पहले हम लोगों को चाहिए, जैसे कि हम कोई चीज़ डिज़ाइन करना है, हमें कोई कपड़े बनाने हैं, कोई ड्रेस बनाना है, तो हमें क्या चाहिए, क्लॉथ चाहिए, हमें सीजर्स चाहिए, हमें स्टिचिंग के लिए कोई चीज़ चाहिए, तभी हम उसको कर सकते हैं कि क्लॉथ को आपने सीजर से काटा फिर स्टिच किया और फिर कोई एक पर्टिकुलर शेप दे दिया। ठीक उसी तरह जीन क्लोनिंग के लिए भी हमें डीएनए को कट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, तो वो एंजाइम्स है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिसमें कि रेस्ट्रिक्शन टाइप 2 वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद डीएनए को जोड़ने के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए, तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए का 5' शुरुआत का इन 3', उन दोनों में मॉडिफिकेशन करें, उसको हम रेडियो एक्टिवली टैग भी कर सकते हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए कि वो डीएनए कहाँ जा रहा है, क्योंकि नेकेड आई से हमें डीएनए दिखेंगे नहीं, तो हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। दो डीएनए को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेस एंजाइम्स है, वो चाहिए। अब अगर डीएनए को हमने काट लिया या अपने अपने सुविधा के हिसाब से कर लिया, तो हम उसको किस तरह से डेवलप करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पीस डीएनए के वो हमें ना तो दिख रहे और ना हम उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर्स डिज़ाइन किए गए। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ प्लाज्मिड्स पाए गए, स्टडीज मिला कि वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल्स है, उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है या ड्रग रेजिस्टेंस पावर है, तो उन प्लाज्मिड्स को क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे शुरुआती दौर में उनको ईजाद किया गया। क्लोनिंग वेक्टर्स इस तरह से है कि सपोज ये हमने कोई क्लोनिंग वेक्टर लिया, इसका एक अपना ओरिजिन साइट होगा, मीन्स कि ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, वो बहुत ज़रूरी है। हमने किसी सेल में इसको क्लोन किया या बैक्टीरिया में क्लोन किया, तो अगली बार जब बैक्टीरिया डिवाइड कर रही, एक से दो बैक्टीरिया बन रहे हैं, तो वहाँ पे इसको भी अपने को डिवाइड करके आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज वो पहले जो पैरेंटल है वहीं पर ये लॉस हो जाएगा, तो इसका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। उसके साथ इसके अंदर अपना एक कोई भी एंटीबायोटिक
रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए, अदरवाइज बैक्टीरिया ग्रो कर रही है कोई दूसरा बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकता है, और अगर हमने किसी तरह से उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, सेलेक्ट नहीं किया, तो वो मिक्सअप हो जाएगा। तो अगर हमने इसको किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मीडियम में ग्रो किया तो रेजिस्टेंट जीन की वजह से ये वहाँ पे सर्वाइव करेगा, लेकिन जो बाहर का बैक्टीरिया कोई है जो अनवांटेड है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद इनके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट हैं, उस रेस्ट्रिक्शन साइट पे जो हमने बताया था कि सीजर्स के तौर पे काम करेंगे, वहाँ पे हम अपनी चॉइस का डीएनए वहाँ पे टैग कर सकते हैं। तो जो डीएनए हम यहाँ पे टैग करेंगे वो इस प्लाज्मिड्स में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और उस प्लाज्मिड्स को आप बाहर कहीं पे भी जीन क्लोनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर में प्लाज्मिड्स यूज हुआ, फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी हमने बैक्टीरियोफेज यूज किया, फिर आगे चल के बैक्टीरिया स्वयं यूज किया, ईस्ट को किया, मेमेलियन सेल्स को किया, और इस तरह से डीएनए छोटे 10 केबी से लेके यहाँ पे हम केवल 5 से 10 केबी तक का ही डीएनए यूज कर सकते, लेकिन आगे चल के हम लोगों ने मेगा बेस तक का डीएनए पीस, बहुत बड़े बड़े डीएनए के पीस या जीन के पार्ट भी इनकॉर्पोरेट कर सकते क्लोनिंग के लिए। तो ये पूरे डिटेल्स हम लोग इस वाले पार्ट में स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम जीन क्लोनिंग कर सकते हैं। दूसरा जो ब्लॉक है, ये तो पार्ट हुआ पहला हेरिडिटी का, अनुवंशिकी का, कि क्या क्या हम लोग देखेंगे, कैसे वेरिएशंस आते हैं, और वो वेरिएशंस के लिए क्या क्या टूल्स थे जो जीन क्लोनिंग में हम लोग देखेंगे। दूसरा जो ब्लॉक है वो सेल बायोलॉजी का, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज हम कहाँ कर रहे हैं, सेल के अंदर कर रहे हैं। तो शुरुआत में हम लोग इसके बारे में डेफिनेशंस देखेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो सेल है, कोशिका है, वो यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारी जो लाइफ है, जिंदगी है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, वो उसका यूनिट स्ट्रक्चर्स है, उसी के अंदर सारे कुछ होते हैं, जो कुछ हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, या कोई भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो वो सारा कुछ सेल के माध्यम से ही हो रहा है, चाहे हमारे ब्रेन के अंदर में न्यूरॉन सेल्स हो, या कार्डियक सेल है जो हार्ट बीट के लिए है, या स्टमक में कोई सेल है, या किडनी के सेल्स है, सारे किसी न किसी सेल से, सेल हुआ, टिश्यू हुआ, टिश्यू से ऑर्गन हुआ, और फिर एक सिस्टम डेवलप हुआ और वो सिस्टम फिर वर्क कर रहा है। तो डेफिनेशन और उस हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर यहाँ पे कुछ टूल्स आपके सिलेबस में दिए गए, बहुत ज़्यादा तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर पे जिससे कि हम लोग सेल को देखेंगे वो है माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में दिखाया जाएगा कि किस तरह से हम अपनी आँख से ज़्यादा क्षमता, क्योंकि हमारी आँखों की एक लिमिट है, जो रॉड और कोन सेल्स हैं हमारी आई में, दे आर प्लेस्ड अपार्ट 5 माइक्रोन, तो हम लोग उससे ज़्यादा नीचे की चीज़ों को देखने के लिए हमें कोई एक सुविधा चाहिए, वो सुविधा यहाँ पे माइक्रोस्कोप के तौर पे दी गई। तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या रेजोल्यूशन है, और उससे ज़्यादा जाने पे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इन दोनों के बारे में भी स्टडी करेंगे कि हायर 1 नैनोमीटर तक की पावर रिजॉल्व कर लें, वहाँ तक की हम स्टडी के लिए ये दो माइक्रोस्कोप्स के बारे में याद करेंगे, सॉरी देखेंगे। फिर उसके बाद जो सेल्स हैं, हम सेल्स को डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम सेल को सिस्टम से बाहर लेके आएंगे वो डाई कर जाएगा, मर जाएगा, तो हमें उसको फिक्स करना पड़ता है। फिक्स करने के लिए हमें फिक्सेटिव्स की यूज होती है, जो फिक्सेटिव्स है वो सेल के हिसाब से वैरी करती है। अगर जैसे कोई सिंगल सेल है, हमें क्रोमोसोम्स वगैरह करना है, तो वो बहुत डेलिकेट, तो वहाँ पे हमें एस्टिक एसिड या दूसरे ऐसे फिक्सेटिव यूज करने पड़ेंगे जो सेल को हार्म ना करें। लेकिन अगर वहीं पे हम अगर बोन सेल्स को कर रहे हैं तो हमें बोन्स फ्लूइड वगैरह यूज करना पड़ेगा फिक्सेशन के लिए। दूसरी चीज़ें, हमारी आइज जो हैं वो केवल विजुअल रेंज को देखती है, विबग्वार जो रेंज है सिर्फ उसी को आइडेंटिफाई कर सकती है, तो उसको सेल्स, चूँकि हमारे नेकेड आई से हमें दिख भी नहीं रही है, तो और उनके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं उनका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, वो वेरी करता है हर ऑर्गेनेल का, उनके जो बायोमॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन के आधार पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका वेरी करेगा। तो इस वजह से हम ऑर्गेनेल, पर्टिकुलर ऑर्गेनेल को देखने के लिए या सेल को देखने के लिए या सेल का एक पार्ट देखने के लिए हमें अलग अलग स्टेन या डाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टेनिंग वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि
किस ऑर्गेनेल के लिए या सेल के लिए कौन सा स्टेन हम लोग यूज करेंगे। एक और टेक्नोलॉजी, जैसे कि वहाँ पे हमने रेडियो एक्टिविटी के लिए आपने देखा था कि फास्फोरस और सल्फर का यूज किया हुआ था, वही टेक्निक जो है रेडियो एक्टिविटी को किस तरह से देखेंगे, तो वो जो टेक्नोलॉजी टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी। हम जिस तरह से स्टूडियो में हम कैमरा खींच कैमरे से फोटो लेते हैं और फिर उस रील या नेगेटिव्स को हम एक डार्क रूम में ले जाकर डेवलप करते हैं, ठीक वही चीज़ यहाँ पे भी है। रेडियो एक्टिविटी में क्या है कि अल्फा या बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, तो यूजली अगर हमें हाई डेंस मटेरियल है तो हम अल्फा पार्टिकल्स यूज करेंगे, अदरवाइज हम बीटा यूज करते हैं। गामा चूँकि उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है तो हम लोग गामा नहीं यूज करते, ऐसा कोई मटेरियल यूज नहीं करते। तो ऑटो रेडियोग्राफी में यूजली सेल बायोलॉजी में ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करते हैं जो बीटा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, तो वो बीटा पार्टिकल्स क्या है रैंडमली इमिट होते रहते हैं, इसलिए हम उसको काउंट करते हैं, गीगर मुलर काउंटर से काउंट करते हैं। वो आप उसको किसी और में क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जस्ट काउंटिंग से देखते हैं। तो वो काउंटिंग चूँकि रैंडम प्रोसेस है इसलिए हम उसको 24 आवर्स 48 आवर्स या 72 आवर्स जैसा हमारा स्टडी डिमांड करे उस हिसाब से हम उसको डार्क रूम में डेवलपर के साथ रख देते हैं और फिर उसको देखते हैं कि कितना वो पार्टिकल्स आया। यहाँ पे जो हम डेवलपर्स पे यूज़ करते हैं वो हम लोग सिल्वर हैलाइड्स यूज करते हैं, तो जैसे ही बीटा पार्टिकल सिल्वर हैलाइड से इंट्रैक्ट करता है वो सिल्वर को रिड्यूस करता है और सिल्वर का जो ब्लैक पार्टिकल्स वो वहाँ पे जहाँ पे ये पार्टिकल्स था वहाँ पे आ जाता है, तो उसी ब्लैक पार्टिकल्स को देख के ही हम उसका लोकेशन जान सकते हैं। तो ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू सेल के अंदर न्यूक्लियस में हो रहा है, गॉल्गी में हो रहा है, इंडोप्लाज्मिक में हो रहा है, या एक वेसिकल न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ट्रेवल कर रहा है, वो सारा हम इस टेक्निक के थ्रू जान सकते हैं। तो बहुत अच्छा टूल्स है जिसके थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं और आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएंगे। जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज़ अबाउट सेल साइकिल। शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उससे थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स पढ़ेंगे क्योंकि अब आप स्नातक में आ गए हैं। तो सेल साइकिल में दो कंट्रोल पॉइंट्स है। सेल साइकिल हमेशा नहीं चलती है, जो अगर हम देखें इसको तो सेल हमेशा डॉर्मेंसी स्टेज में रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं G0। यहाँ पे सेल को मैसेज मिलेगा, सिग्नल मिलेगा कि आपको डिवाइड करने के लिए जाना है, तो G0 से वो जीवन आने के लिए वो पूरी तैयारी करेगा। सेल के भीतर ही बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस में जब वो जीवन पे ओके हो जाएगा तब वो रेप्लिकेशन के लिए मूव करेगा, तो DNA रेप्लिकेट होगा। DNA जब रेप्लिकेट करेगा तो यहाँ पे उसका 2 times DNA हो गया, ये एक लोड है सेल के ऊपर, क्योंकि अगर DNA रेप्लिकेट कर गया तो सेल को आगे बढ़ना है। अब यहाँ से जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा कि यस DNA रेप्लिकेटेड एंड देर इज नो एरर, कोई उसमें गलती नहीं है, DNA पूरी तरह से रेप्लिकेट कर चुका है, तब वो जाएगा G2 फेज में और फिर माइटोटिक साइकिल में जाएगा जहाँ पे प्रो फेज से लेके एना फेज का पूरा स्टेज कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन फेज इसके लिए रहेगा, एक ट्रांजिशन फेज ये रहेगा। तो सेल साइकिल में ये चेक पॉइंट्स हैं जो सेल को डिसाइड कर, सेल वहाँ पे डिसाइड करता है। अगर इसमें कोई एरर होती है तो सेल कैंसर या ट्यूमर या किसी डिजीज के लिए वो प्रोसेस करेगा, लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि सेल तुरंत कैंसर या ट्यूमर नहीं डेवलप करेगा, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। ये स्वयं सेल का एक प्रोग्राम सेल डेथ जिसको एपोप्टोसिस भी बोलते हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा सेल के अंदर ही,
ये ऑटोमेटिकली उसको सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पे एक एरर है, और सेल अगर डेवलप करता है तो दूसरा सेल जो बनेगा उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उस जो प्रॉब्लमेटिक सेल आ रहा है या चेक पॉइंट्स है, वो क्या करेगा, एक प्रोटीन है जिसको कि P53 बोलते हैं, वो गार्जियन भी है हमारे जीनोम का, जितने जीन्स हैं सभी का, उनका रखवाला एक तरह से आप कह सकते हैं। वो एक्टिवेट करेगा प्रोग्राम सेल्स को और उस सेल को वो वहीं पे किल कर देगा, सेल्फ डेथ होगी एक तरह से, ये सुसाइडल है। तो इस सेल का दूसरा सेल, इस सेल से दूसरा सेल नहीं बनेगा और कोई लाइबिलिटीज नहीं आएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस सेल साइकिल कैसे उसको कंट्रोल करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और माइटोसिस और मियोसिस पे। फिर हम लोग न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। फिर सेल के अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पूरा पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल के अंदर और बाहर दोनों की स्थितियों को वो मेंटेन रखता है। अगर ये मेंटेन ना रखे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, बाहर का कोई भी चीज़ अंदर और अंदर का सारे ऑर्गेनल्स या सारा मटेरियल जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर जा सकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को मेंटेन रखे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना है, आप लोग जान रहे हैं कि प्रोटीन है और लिपिड्स है। प्रोटीन और लिपिड्स के अलावा इस मेम्ब्रेन पे बहुत सारे ऐसे चैनल पंप्स हैं, या यो कहिए कि प्रोटीन्स हैं, जो कि इसको रेगुलेट करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल्स, कौन सा आयंस, कौन सा ड्रग्स, कौन सा केमिकल या कौन सा बायोमॉलिक्यूल्स अंदर आएगा या बाहर जाएगा। एग्जांपल्स के तौर पे जो ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है, इसमें जैसे हमने कि आपने भोजन खाया और वो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बना, अब सारा ग्लूकोज सेल के अंदर ऑटोमेटिकली नहीं ट्रांसमिट होगा। जितना ग्लूकोज जाएगा तो वो अपने साथ उतना सोडियम भी लेके जाएगा। तो कई तरह के ट्रांसपोर्ट्स आते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल्स एक साथ ही जा रहे हैं तो हम उसको सिंपोर्ट बोलेंगे, एक अंदर जा रहा है तभी एक बाहर आ रहा है तो हम उसको इंपोर्ट बोलेंगे, केवल एक जा रहा है या केवल एक बाहर आ रहा है तो हम उसको यूनिपोर्ट बोलेंगे। तो तीन तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद उसमें आता है पैसिव और एक्टिव, कुछ अपने आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन वो जाएंगे किसके थ्रू, इन्हीं चैनल प्रोटीन पम्प्स के द्वारा ही जाएंगे, ऑटोमेटिकली अपने आप स्विच ओवर नहीं होंगे। केवल जो गैसियस एक्सचेंज है वही अंदर बाहर हो जाता है, बाकी सारा कुछ यहाँ पे रेगुलेटेड है थ्रू चैनल प्रोटीन्स या पम्प, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स डिफरेंट चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स या पम्प्स के थ्रू रेगुलेट हो रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है इसमें हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, स्मूथ है या रफ है, दोनों में वेरिएशन है। अगर वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो राइबोसोम से जुड़ा है, अगर वो किसी प्रोटीन के प्रोसेस में जुड़ा हुआ है, रफ है तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी। तो जो यूजुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है ये न्यूक्लियस के तुरंत बाद होगा। ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स बनता है उस प्रोटीन का प्रोसेसिंग होती है। ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनता है वो डायरेक्ट यूज के लिए नहीं आता, या कहीं किसी ऑर्गेनल्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वहाँ पर इसको नहीं भेजा जाता, तो उसकी प्रोसेसिंग होती है। वो पूरा प्रोसेसिंग पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है।
तो उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस, वो डिटेल्स हम लोग इंडोप्लाज्मिक का इंडोप्लाज्मिक वाले पार्ट में और नेक्स्ट गॉल्गी वाले पार्ट में देखेंगे। जो राइबोसोम्स हैं, ये प्रोटीन जहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है, प्रोटीन का बनने की जो प्रोसेस है वो राइबोसोम्स वहाँ पे यूज करते, ये मैसेंजर आरएनए को उस पर टीआरएनए और इनको लेके आगे काम करेंगे और उस तरह से प्रोटीन के सिंथेसिस या बनाने में मदद करेंगे। तो ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के इसलिए होते हैं कि इवोल्यूशन के समय में सिंगल सेल से या प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की तरफ हम लोग मूव किए। तो शुरुआत में 70S राइबोसोम था, बाद में 80S राइबोसोम हुआ। इनके स्ट्रक्चर के बारे में और ये किस तरह से बनते हैं, एक ही यूनिट होता है या दो यूनिट है, तो उसके डिटेल्स हम लोग राइबोसोम वाले पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया कि गॉल्गी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सेमी प्रोसेस होके गॉल्गी कॉम्प्लेक्स को ट्रांसपोर्ट होता है और यहाँ पे डिफरेंट वेसिकल्स है। फ्यू ईयर्स बैक गॉल्गी में जो प्रोसेसिंग है उसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला जापनीज साइंटिस्ट को। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉर्फोलॉजी, इनके अंदर कैसे किसी प्रोटीन हर प्रोटीन जो है केवल अमीनो एसिड्स से बन के ही काम नहीं करती है, उसके अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, तब वो कहता है ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड्स लग गया तो लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन के अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट लगाना है, लिपिड्स लगाने हैं, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट लगाने हैं, कौन कौन से लिपिड्स लगाने हैं, वो डिसाइड करता है कि वो प्रोटीन हमारे ब्रेन सेल्स को यूज होना है, कार्डियो को यूज होना है, लीवर को यूज होना है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक पर्टिकुलर जगह पे उसको जाना है, वो उसके फंक्शंस के हिसाब से रहते हैं। तो जैसा सिग्नल मिलता है गॉल्गी जो कॉम्प्लेक्स है वो उस तरह कार्बोहाइड्रेट या लिपिड मॉलिक्यूल्स को उस प्रोटीन के साथ टैग करके वो प्रोडक्ट्स बनाती है और फिर वो प्रोसेस प्रोटीन डिलीवर होता है गॉल्गी बॉडी के डिफरेंट वेसिकल्स के थ्रू अपने डेस्टिनेशन पे। जो नेक्स्ट पार्ट है वो लाइसोसोम है। ये हमारे अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं या जो प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा या कम हो या उनका टर्नओवर नंबर को चेक करने के लिए लाइसोसोम्स क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। तो लाइसोसोम्स हाईली एसिडिक एक ऑर्गेनेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर या दूसरे प्रोटीन्स और इन लोगों को कंट्रोल करता है। अगर वो ज़्यादा है तो उनसे वो फ्यूज करेगा, उनको डिग्रेड करेगा और फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू उसको बाहर इलिमिनेट कर देगा। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम बनते हैं और कैसे वो अपने फंक्शंस को अचीव कर रहे हैं। अगर लाइसोसोम्स अपना फंक्शंस नहीं कर पाता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं जो इस चीज़ को ओवरकम करते हैं, तो वो बहुत सारी बीमारियां भी फैला रहे हैं जो कि क्यूरेबल नहीं हो पाते। तो कौन सी डिजीजेज हैं, कौन सा पार्ट है, वो हम लोग लाइसोसोम्स की स्टडी और उसके डिजीज़ वगैरह की स्टडी डिटेल्स में करेंगे। जो लास्ट पार्ट है सेल बायोलॉजी का, आठवां यूनिट 8, अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि आप लोग हम लोग पावर हाउस और सेल भी कहते हैं। तो ये ओरिजिन इसकी कैसे हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी माइटोकॉन्ड्रिया की, क्यों एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, कितने प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की क्या फंक्शंस हैं, कैसे वो कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। चूँकि ये इंडिपेंडेंट काम करता है इसलिए ये सेमी ऑटोनोमस भी बोला जाता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बोल रहे हैं, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है या न्यूक्लियस के अंदर है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन, अगर एनिमल में देखा जाए और प्लांट में क्लोरोप्लास्ट, इनके पास अपना डीएनए मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए है, अपना जेनेटिक मटेरियल है, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में उसकी साइज और डिटेल्स अलग हैं, हम लोग उसके बारे में भी
डिस्कस करेंगे। इसकी वजह से कुछ पार्ट, कुछ प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया अपना स्वयं बनाता है और कुछ हमारा जो जीनोमिक डीएनए है जो न्यूक्लियस के अंदर है वहाँ से कुछ प्रोटीन्स लेके माइटोकॉन्ड्रिया अपने फंक्शंस को अचीव करता है। तो चूंकि ये कुछ स्वयं अपने जीन से बना रहा है इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये रहा पूरा डिटेल्स, इतना सिलेबस हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके बारे में बता दूं कि सिलेबस के बाद दो तरह से आपको आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। एक तो आपको इंटरनल असाइनमेंट दिए जाएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए 12 मार्क्स का होगा और पार्ट बी आपका 18 मार्क्स का होगा। जो पार्ट ए है इसमें एनालिटिकल या प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसमें चार क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे जिसमें तीन क्वेश्चन आपको करने होंगे और जो तीन क्वेश्चन हैं उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ठीक उसी तरह जो पार्ट बी है वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, एनालिटिकल भी हो सकता है या प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगा, लेकिन वहाँ पे हमें तीन करने होंगे आउट ऑफ चार, लेकिन इनके जो मार्क्स हैं वो 6 हैं तो टोटल 18 और 12 30 मार्क्स के ये आपका इंटरनल असाइनमेंट्स हो जाएंगे। इन सेमेस्टर जो एग्ज़ाम्स होगा वो 70 मार्क्स का होगा, 70 नंबर का होगा। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी। पार्ट ए 48 मार्क्स का है, पार्ट बी 10 मार्क्स का है और पार्ट सी 12 मार्क्स का है। जो पार्ट ए है वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगा। इसमें तीन क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ 6, इसमें चॉइस आपको बहुत ज़्यादा दी जा रही है और ईच क्वेश्चंस जो है वो 16 नंबर के होंगे, 16 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से टोटल 48 मार्क्स का पार्ट ए होगा। जो पार्ट बी होगा वो एनालिटिकल या प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, दो क्वेश्चन ही केवल दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा और वो 10 मार्क्स का होगा। तो सिर्फ एक क्वेश्चन करना है 10 मार्क्स के लिए। पार्ट सी ये एनालिटिकल या प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा और ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं आउट ऑफ 3, तीन क्वेश्चन में और 12 मार्क्स का होगा। तो सॉरी, ये यहाँ पे 6 होने चाहिए थे, 6 मार्क्स के होंगे तो दोहरेंगे, ये एक करेक्शन है। जो ये पेपर है जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी, इसमें रेफरेंस के लिए यदि आप लोग चाहें तो कार्प की सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, गेराल कार्प की कोई भी एडिशन, हमने यहाँ पे 2019 एडिशन लिखा है लेकिन कोई भी एडिशन है वो सफिशियंट है, आप उसको रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। जेनेटिक्स वाले पार्ट के लिए प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स टैमरिन की यूज कर सकते हैं या स्निस्टर्ड और साइमंस की यूज कर सकते हैं, कोई भी एडिशन मिल जाए। अगर किसी स्टूडेंट को ये रेफरेंसेस बुक नहीं अवेलेबल हैं तो UPRTU ने जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल SLM बनाया है जो आपको एडमिशन के बाद आपके घर पे पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा, ये भी सफिशियंट है। इसमें जो मटेरियल हम लोग तैयार करते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स ने तैयार किया है, वो इन तीन के अलावा और भी बुक्स को यूज किए हुए हैं। तो अगर आपके पास मिल जाता है डिटेल्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जो आपको SLM मटेरियल मिल रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो भी सफिशियंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर UG ZY 103। थैंक यू।